वो प्रण ले लिए हैं लोग कि हमको मार रहे मारना, तो देखिए प्रशासन से एक और मेरी कड़ी से कड़ी सुरक्षा बढ़वा दिया जाए। और 7 बजे मैंने फ़ोन किया तो भाई मेरा परिवार ही खत्म हो गया। आज मेरा रोते रोते आंसू भी सूख गया है, मैं कैसे रो। हमको हम लोगों को गाली गुस्सा मारपीट करके सब गलीवाते थे, हम लोग बस पीड़ित थे। देवेश जी बताइए कहाँ तक मामला पहुँचा? मामला तो यहाँ तक ही पहुँचा है कि देखिए सरकारी अपने कार्रवाई कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना कार्रवाई जरूर करेगी जी। और उनकी जो मकान करेगी, जितने मकान उनके सरकारी जमीन में हैं सब पर वो कार्रवाई हो रही है। कल पैमाइश हुआ है जी, और पैमाइश में उनके वकील कर रहे हैं गलत पैमाइश हुआ है, तो क्या लग रहा है आप इस पर क्या आप कहेंगे? गलत पैमाइश नहीं हुआ है, जो हुआ है सही हुआ है। वो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं ताकि वो सब लोग बच जाएं जी। लेकिन देखिए यही घटना किसी और के साथ होता तो क्या सरकार को अच्छा लगता? मेरे जिद दिल पर तो जो गुजर रहा है मैं ही जान रहा हूँ। एक टाइम सुबह में उपवास रह रहा हूँ, शाम को भोजन भी नहीं जल्दी घोटा रहा है, ये बताइए कैसे हम घोटेंगे हमें खुद नहीं पता है। इसी डिस्प्रेशन में हम उस दिन भर्ती भी हो गए, जिसका परिवार ही उजड़ गया है वो किसके सहारा जिएगा आप ही बताइए। अच्छा देवेश, जो प्रेमचंद यादव थे इनका आपके परिवार के प्रति क्या रिएक्शन रहता था पहले, ये घटना होने से पहले? देखिए घटने से पहले 2014 में चाचा जी का बैनामा करा लिए। हमारे चाचा जी मंदबुद्धि के थे, दिमाग से ठीक नहीं थे, उनको पहचान पत्र बनवाने गए थे उसी हिसाब से वो उनको आना चाहिए पूछने के लिए कि आपका भाई खेतबाड़ी बेचने के लिए आया, कम से कम उनको राय ले लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। और तभी से 2014 से मेरे चाचा जी को गायब करके चाहे किडनैप करके कुछ जो भी कुछ सानी पानी वगैरह जो भी कराते थे, मतलब आज तक उनका पता नहीं चला। 9-10 सालों से उनके घर ही रहते हैं, घर ही सूरत में नौकरी करें, बातचीत हुई नहीं मुझसे नहीं बातचीत हुई। जब प्रशासन ने बताया कि तुम्हारे भाई और भौजाई और दोनों भतीजी और एक भतीजा मर गया, तो उन्होंने सर नीचे कर लिया, हिम्मत नहीं लिया कि वो बोल सके। एक अगर जो वही कमा पहले और कर दिए होते ताज मेरा परिवार साथ होता। उनकी पत्नी का भी आरोप था कि जो आपके पिताजी निकाल दिए थे उनको भाई को घर से। नहीं ये झूठ बात है, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। देवेश आपकी जो फसल उसल थी, क्या पहले भी मृतक जो प्रेमचंद यादव पहले भी कटवाता था? हाँ वो कई बार कटवाता था, जो भी फसल कटवाता था 10-20 गुंडों को लेकर कटवाता था और हथियार के साथ कटवाता था। उसकी पत्नी भी उसके घर भर वाले आकर के हमको हम लोगों को गाली गुस्सा मारपीट करके सब गलीवाते थे, हम लोग बस पीड़ित थे। हम लोग जाए प्रशासन के पास किसके पास जाए, हम लोगों को कागज़ दबा दिया जाता था। आज मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ लेकिन मैं अब कहूँगा। उनके जब मैंने बलियाँ चला गया पिंडदान कराने के लिए, त्रिपिंडी था, एक तारीख को शाम को 7 बजे मैं बलियाँ चला गया और मेरा भाई बोला भैया 2 अक्टूबर को हमारा जन्मदिन है, हमारे लिए कुछ है नहीं, तो हम बोले कि मदद तो हम कर देंगे, तुम्हारे लिए पूजा मैं जा रहा हूँ और मैं आ जाऊँगा। तभी तो 6 बजे फ़ोन आया भाई का, भैया प्रेमचंद यादव हैं लो, उनके परिवार वाले ईंटा पत्थर चलवा रहे हैं लो। और 7 बजे मैंने फ़ोन किया तो भाई मेरा परिवार ही खत्म हो गया, आज मेरा रोते रोते आंसू भी सूख गया है, मैं कैसे रो। ये बताइए जिसके माँ बाप का साया परिवार साया हट गया, वो बच्चा कैसे जिएगा, कैसे सहारे रहेगा, किसके सहारे, आप ही बताइए। देवेश आपके परिवार के ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि इनके परिवार वाले ही प्रेम यादव की हत्या की है। नहीं ये बिल्कुल झूठ बात है। कौन उनकी जो बेटी है उसने कहा है कि आप मार्ग से भाग गए हैं और सुबह बारिश हो रही थी, तो आप कैसे जाते हैं वहाँ पे? नहीं सुबह में नहीं गए थे हम, कल एक तारीख को हम शाम को निकल गए, हम देवरिया आए थे, देवरिया से जाकर घर से देवरिया आ करके फिर बस धर के मैं बलिया के लिए चल पड़ा। 7 बजे बलिया में उपस्थित हो गया। अब जब सुबह में जगे तो हम कुछ त्रिपिंडी कराने के लिए, जब भैया बोले कि तुम तैयार हो जाओ चला जाए, जजमान का फ़ोन आ रहा है, तो हमने कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। तभी फ़ोन आया उसी बीच, तो हमारे गांव का कोई लड़का है हमें नहीं पता। देखिए उस समय हम खुद ही डिस्प्रेशन। आप अपनी बहन से बात किए थे सुबह अपनी बहन से बात किए थे तो बहन आपसे क्या कह रही थी?
बहन नहीं बात की, भाई ही बात किया, जो मैं सच है वह मैं बताता हूँ। दिवेश, अब आपको किस किस तरह के लोगों का सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो बहुत अच्छे भी मिल रहे हैं, लेकिन देखिए आज भैया नहीं होते और जयप्रकाश निषाद जी नहीं होते, वही मेरे माँ बाप में वही सब कुछ है। उनको कागज़ दिया गया, हम और हमारे जीजा जी दिए गए, लेकिन उन्होंने दिया प्रशासन में, तो प्रशासन उनको कागज़ दबा दिया गया। वो भी मेरे पास आए थे बिलख करके, दुखी भी थे, रो भी रहे थे। और जो हमारा भाई है जिंदगी और मौत से लड़ रहा है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, उनके बड़े लड़के विश्वजीत भैया जी जा भी रहे हैं काफ़ी मिलने के लिए, और हमारे सलम मणि भैया जी उस दिन नहीं होते तो मेरा समझिए मेरी जिंदगी नहीं बची। इसको आप जातिगत एंगल दिया जा रहा है ब्राह्मण और यादव का, इस पर क्या कहना? देखिए जो कार्रवाई है वो सरकार कर रही है, ये सब जो भी जातिवाद है इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। और जो श्री अखिलेश यादव जो जी भैया हैं, हमारे भी पीड़ित को समझे, हम भी पीड़ित हूँ। मान लीजिए हमारा पूरा परिवार चला गया, अब मैं कैसे जीऊँगा मुझे खुद ही नहीं पता है। क्या चाहते हैं अखिलेश यादव या शिवपाल यादव जी आपके पास आएँ और आपकी मदद करें? हम तो यही चाहते हैं जितने भी अपराधी हैं उनको या तो इनकाउंटर कर दिया जाए, नहीं तो जो मेरे भाई और बहन को मारा है गोली, उनको सर में गोली मारा जाए। देवेश, जब आप गोरखपुर भाई से मिलने गए थे, भाई उस समय क्या कह रहे थे? भाई तो देखिए उसकी काफ़ी हालत ख़राब है, मैं जब तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ तब तक मैं उसको घर नहीं ला पाऊंगा, उस स्थिति में मैं नहीं हूँ। लेकिन अब तक देवेश जी अपने माँ बाप के साथ रहे, भाई बहन के साथ रहे, आज आपका परिवार छोड़कर चला गया, अब कैसे आप रह रहे हैं? क्योंकि इस दुनिया में आपके ना भाई बाप माई माँ हैं ना बाप हैं, इस दुनिया में सब कुछ जो विधायक जी हैं श्री जयप्रकाश निषाद जी, वही मेरे माँ बाप, वही मेरे रिश्तेदार, सब कुछ है जी। वही मेरा जो भी करना हो वही मुझे करेंगे। माँ से कब आपकी बात हुई थी? माँ से नहीं बात हुई थी, बस भाई से बात हुआ था। भाई से बात, पिताजी से कब बात हुई थी आपकी? पिताजी से भी बात नहीं हुआ, तो भाई ही बोला केवल फोन करके, भाई बोला। हाँ, बोला भैया तुम जल्दी से आ जाओ, बोले कि बाबू देखो हम 4 बजे किधर नहीं आ पाएंगे। बात हुआ तो आपसे भाई कह रहा था कि तुम जल्दी चल रहे हैं, मार रहे हैं। हाँ, जल्दी भैया प्रशासन को फोन कर, प्रशासन को हमने बहुत फोन किया लेकिन प्रशासन नहीं जल्दी पहुंची, 1 घंटे पहले पहुंच गई होती तो मेरे माँ बाप जिंदा होते। बहुत ही दुखद घटना है। अगर कहा जाए तो इस देवरिया जिले की प्रशासन नाकाम रही, अगर पहुंच गई होती आज आपकी परिवार सारे लोग बच गए होते, बच गए भाई बहन सब लोग साथ में होते। लेकिन इसका कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं लोग कि राजस्व विभाग भी कहीं ना कहीं दोषी है, शासन प्रशासन भी दोषी है। कई बार एप्लीकेशन दिया गया है उनकी मकान ढहवाने के लिए, भाई देखिए जो भी कुछ है कार्रवाई, लेकिन कागज दबा दिया जाता था। और हम लोग जाते थे थाने पर तो हम लोगों को हड़कवा करके धमकवा करके उनके, वो बोलता था मैं थाना मेरा है, मेरा इलाका है, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे, पूरा घर गिरवा करके। अच्छा, घर आता था धमकी भी देते थे? अरे उसकी पत्नी भी आती थी और उसकी पत्नी इतना हमको बोल रही है जो आखिरी घर का चिराग है उसको भी हम खत्म कर, हम तो मारेंगे ही, बदमाश भी मारेंगे, ये बताइए अब हमारे पास बचा ही क्या है? शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है? मतलब आप शासन प्रशासन से यही उम्मीद है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले चाहिए, इनकाउंटर कर दिया जाए, और मेरे माँ बाप को जो गोली मारे, मेरे भाई बहन को, उनको सर में गोली मारा दिया जाए, जितने अपराधी हैं उनको घर भी डावा दिया जाए। अच्छा, प्रेमचंद यादव की मौत कैसे, क्या कुछ पता है? नहीं, ये कौन मारा, क्या मारा, कौन मारा, ये हमें नहीं पता, उस मौके पे तो हम थे नहीं। तो देखिए ये तो पता चल गया कि आपके परिवार को किसने मारा, लेकिन प्रेमचंद को किसने मारा अभी तक पता नहीं चल पाया। देखिए सबसे बड़ा दोषी तो वही है, अगर वो ऐसा नहीं किया होता तो आज दोनों परिवार खुशी होते, तो उसको भी प्रशासन भी पता लगाए, उसको भी हम तो आदेश देते हैं कि प्रशासन भी उसको भी पता लगा ले। नहीं, इस बात को मानते हैं ना आप कि सबसे बड़ा दोषी वही ना, अगर हाँ, ऐसा नहीं किया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं, नहीं होती जी। और उतना सुबह में क्या कौन सा काम पड़ा, क्या करने आया था, उतना सुबह में क्या मतलब था उसका? दिनेश जी, प्रेमचंद की पत्नी कह रहे हैं कि आप जो है कि उसमें शामिल थे, नहीं नहीं ये सब गलत बात है। आप आज तक के चैनल पे इंटरव्यू दिए हैं, उसमें आप बातचीत कर रहे थे, आपकी बहन से बात हुई थी, उसमें इंटरव्यू में कहा है कि हमारी बहन ने हाथापाई हुआ है, मारा वो आक्रोश, देखिए वो आक्रोश में आकर देखिए को किसी को परिवार ही खत्म हो जाता है, मान ली भाई बहन, मतलब इस बात को कितनी सच्चाई है? जो सच्चाई तो ये है कि देखिए वो आक्रोश में आकर बोल दी है
उसके शांति तो जो मैं क्षमा चाहता हूँ। गलत अफवाह उधर से फैलाई जा रही है, अफवाह जा रहा है, हमको देखिए वो हमको आरोप लगा रहे हैं किसी तरह से, ये भी फंस जाए। आप लोगों ने आपने नहीं कहा था कि मैं कथा करने गया था सुबह? नहीं, ये गलत उधर से अफवाह फैलाया जा रहा है, हम किसी तरह से फंस जाए, अपने माँ बाप के क्रियाक्रम नहीं कर पाए, जिंदगी से बर्बाद हो जाए। मान जब हम बर्बाद हो जाएंगे तो मेरा भाई भी क्या हाल होगा, आप ही बताइए। उम्मीद करते हैं आपको न्याय मिलेगा और शासन प्रशासन एक्टिव है, जिस तरीके से जांच प्रक्रिया कर रही है और उनके घरों को नप्पी कर रही है पूरे सिवान को लेकर, और हो सकता है आपको न्याय मिलेगा। न्याय हमको चाहिए और जल्द से जल्द उनका घर ढहावा दिया जाए। क्या उसके परिवार से आपको अभी भी डर है? अभी भी डर है, खतरा मंडरा रहा है दर दर पे। डर है कहीं, किसका डर है? वो कहे किसी कोई पैसा देकर हमको मरवा सकते हैं, या तो कोई भी आचार किसी भी अचानक क्या आपको धमकी दी जा रही है? हाँ, कई कई बार उन्होंने वीडियो पे वायरल करवा रहे हैं लोग। जो आखिरी चिराग बचे उसको हम मारेंगे भी, वो प्रण ले लिए हैं लोग कि हमको मारना है। देखिए प्रशासन से मेरी कड़ी से कड़ी सुरक्षा बढ़वा दिया जाए। प्रशासन से आपकी मांग क्या है कि मतलब सुरक्षा बढ़ा दी जाए? और अभी डर है आपको? हाँ, अभी भी डर है, क्योंकि मैं ही एक बच्चा हूँ, मेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है मेडिकल कॉलेज में, मैं उसी के सहारे जीऊंगा। और जो चाचा जी श्री जय प्रकाश निषाद, वही मेरे माँ बाप, वही मेरी सब कुछ वही है। चलिए।